जो बदलाव हुआ है नेतृत्व का, मनोहर लाल जी की जगह नायब सैनी जी को बनाया है, ये जो इस समय जो बदलाव किया है वो साफ संकेत है कि चुनाव से पहले ही इन्होंने हार मान ली, क्योंकि जो बदलाव का कारण एक ही है कि जो 4.5 साल की विफलताएं हैं इस सरकार की, उनको छिपाने का प्रयास किया जाएगा। ये 19 में जब गठबंधन बना उस समय भी मैंने कहा था कि भाई जो आपने गठबंधन बनाया है ये कोई नीतियों पर आधारित नहीं है, एक यमुना पार कर रहा था, एक 75 पार कर रहा था, स्वार्थ में दोनों यार बन गए और उसी वजह से प्रदेश जो नंबर एक था 14 में प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में और आपका कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर एक प्रदेश था, आज की चीज़ में नंबर एक हो गया। आज बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ तक हो गया जो प्रोग्रेसिव सोशल इंडेक्स है वो तो सेंट्रल एजेंसी है, उन्होंने सर्वे कहा तो हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश बताया, ये परिस्थिति है। खेल और खिलाड़ियों में आप स्वयं देख रहे हैं हमारी बेटियों के साथ क्या व्यवहार किया गया, इतना नसीब गई। तो आज ये जो बुरी तरह ये विफल हो चुकी है सरकार, उसको विफलता को छुपाने के लिए ये प्रयास है, लेकिन दोबारा लोगों की आग में धूल झोंकने का प्रयास है जैसे पहले किया हमने इसमें, और उस समय भी हमने कहा था और आज से एक महीना पहले शायद यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं मैंने कहा था कि एक और समझौता होगा इनका गठबंधन तोड़ने का, और वो आप देखो पहले एक कर चुका समझौता लोगों को गुमराह करने के लिए, लेकिन लोग समझ चुके हैं कि ये 36 मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की होगी। नहीं तो ये देखो ना, आज कोई भी जब भी विश्वास प्रस्ताव आए या अविश्वास प्रस्ताव आए तो राजनीतिक दल जो हैं वो भी पुरस्कृत करते हैं, या तो खिलाफ दें उसके या हक में दें। एक पार्टी ने भी पिशु किया कि गैर हाजिर हो जाओ, ये क्या संकेत है, ये मिली भगत है, क्योंकि खिलाफ उनकी देने की हिम्मत नहीं, अगर वह होते तो आज ये सरकार में शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब है मॉरल राइट कुछ नहीं रहा इस सरकार का, एक कोई भी सरकार में रहने का मॉरल राइट नहीं है। तुरंत मैंने विधानसभा में भी कहा था जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं कि भाई फौरन अपनी कैबिनेट की मीटिंग करके गवर्नर को डिजॉल्व कराएं असेंबली और राष्ट्रपति शासन का सुझाव दें और तुरंत चुनाव कराएं। आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर सवाल उठाया कि उसके चेयरमैन की नहीं, वो 4.5 साल जो बीते इनको कैसे देखते हैं आप गठबंधन के साथ? जाहिर ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका एक ही था कि जब भी तो हमने कहा ठगबंधन, गठबंधन की जगह ठगबंधन हो गया, स्वार्थ में जो भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ, कितने घोटाले हुए, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक की भी इंक्वायरी नहीं हुई, तो इस वास्ते ये लूट का गठबंधन था। आप मुख्यमंत्री को कह रहे हैं उस समय जो है 19 में क्या था, ये था कि हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, मैनिफेस्टो देखो दोनों पार्टियाँ उठा के, एक कह रहा था 5100 रुपये पेंशन देंगे हम और 75% नौकरी देंगे प्राइवेट उसमें, अब और बहुत सारी बातें, बीजेपी का भी बहुत था कि हम स्वामीनाथन का भाव देंगे, सीटू फार्मूले पे देंगे, लेकिन कोई भी चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे गरीब आदमी हो, यहाँ तक कि जो 100-100 गज के प्लॉट हम देते थे गरीब आदमी के लिए वो स्कीम भी बंद कर दी, बच्चों की स्कॉलरशिप हम देते थे वो स्कीम भी इन्होंने लटका कर रख दी, कोई भी जनहित के लिए ये गठबंधन नहीं था, कोई इनका जो है नीति के आधार पे गठबंधन नहीं हुआ था, ये हरियाणा के विकास के लिए या जनहित के लिए वो गठबंधन नहीं था, ये स्वार्थ हित के लिए गठबंधन था, टूटना ही था। दुष्यंत सिंह चौटाला कह रहे हैं कि 5100 पेंशन देने की बात मैंने कही थी हाईकमान को लेकिन बात नहीं बनी, तो मैंने किसी भी मतलब सीट लेने से भी इनकार कर दिया था, इसलिए गठबंधन जो है वो टूटा है। 4.5 साल के बाद अब तो चुनाव में दिन कितने बाकी हैं, ये सब लोग समझ चुके हैं, लोगों को गुमराह नहीं होता।
तो आपने ये भी कहा इसी में कि सहमति नहीं बनी सीटों पर, मेरी कुर्सी के सीटों पर सहमति नहीं बनी लोकसभा में, तो मेरी कुर्सी गई लेकिन मनोहर लाल की भी गई और साथ में अनिल विज की भी गई। गई क्योंकि काम कुछ नहीं किया, हरियाणा को पछाड़ के रख दिया। गठबंधन जो था वो मनोहर लाल जी के और दुष्यंत जी के बीच में था ना, तो फिर क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ? इसी वास्ते दोनों गए, नेतृत्व तो बदला। लेकिन ये सब इसके पीछे बात एक ही है, लोगों की आंख में फिर से धूल झड़ने की कोशिश है, ये मिली भगत है। सर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सहमति नहीं बनी और ये अलग अलग लड़ेंगे, जिस समुदाय से दुष्यंत चौटाला आते उसी समुदाय से आप भी आते, तो कहीं आपका जो वोट जो है सिर्फ मारी करने के लिए? मैं समुदायों के बेस पे राजनीति नहीं करता, दलित की करता हूँ। लेकिन सब समुदाय बराबर है, तो इससे नुकसान होगा सर आपको? मैंने कहा सब समुदाय बराबर है, क्यों नुकसान होगा? तो एक समुदाय की बात हो रही है, हमारे लिए सब समुदाय बराबर है, हम गरीब के हितैषी हैं और मेहनत के लोगों के हितैषी हैं। खट्टर साहब ने आज जब विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया, इस इस्तीफे को कैसे देखते हैं कि क्या लगता है आपको इतनी जल्दबाजी विधायक पद से भी इस्तीफा दिया है? पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते हो, क्योंकि थोड़े दिन में नोटिफिकेशन होने वाला है और सीट डिक्लेयर होने वाली, हो सकता है पार्लियामेंट में चुनाव। आप लगातार सवाल उठाते रहे भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, नए मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी आपने कहा कि आप अपना विजन बताइए, कोई विजन मत बताए, आगे जो नए मुख्यमंत्री हैं क्या उम्मीदें हैं प्रदेश को लेकर? कोई उन्होंने विजन बताया नहीं, बाकी कोई अच्छा काम करके तो मैं सराहना करूंगा, और ये जैसे पहले करते रहे हरियाणा को पीछे धकेलने का काम किया, उन्होंने कहा कि तो पुराने हैं। हरियाणा कहां से कहां पहुंच गया, जब भी तो बदलाव की जरूरत पड़ गई। अगर हरियाणा इतना प्रगति करता और बहुत बढ़िया गठबंधन की सरकार रहती, नेतृत्व तो बदलने की जरूरत। आप चेहरा बदलने से कोई फायदा लगता है उड़ा साहब आपको? चेहरा बदलने से क्या लोकसभा या विधानसभा? चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता, वो तो ये तो विफल हो चुकी, विफल सरकार विफल ही रहती है। लोग मन बना चुके, मेरा छत्तीस बरादरी मन बना चुकी है ये हरियाणा की, कि 2024 में हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनाए। आपने विधानसभा में सिगरेट बैलेट से भी वो विश्वास प्रस्ताव पे मत की मांग की थी जिसको स्पीकर ने नकार दिया। काट दिया था, हमने वॉकआउट कर दिया। सर आज रैली थी जेजेपी की, ये भी कहा गया कि भाजपा ने 6 महीने का मुख्यमंत्री बनाया है लेकिन 5 साल का मुख्यमंत्री जननायक जनता पार्टी देने वाली है प्रदेश में। लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर, लेकिन लोग समझ चुके हैं। सर जिस तरीके से गठबंधन टूटा, पार्टी भी पूरी बिखर गई, 5 विधायक आज यहाँ सेशन के अंदर थे और 3 विधायक वहाँ पहुंचे हुए थे, मतलब विधायक यहाँ। अरे गठबंधन थोड़ा ही था, ठग बंधन था, ये सबको पता, हरियाणा की जनता समझ चुकी है ये ठग बंधन। 5-4.5 साल इन्होंने ठगी करी, अब फिर ठगे करने की प्रयास करते हैं। रोहतक को लेकर आपने बात कही थी नायब सैनी, जब कह रहे थे कि वहां पर फ्लाईओवर बनवा दिया उससे नुकसान हुआ, वो क्या नुकसान हुआ रोहतक के लिए? वो ये था कि जो रेलवे लाइन है गोहाना की, रोहतक से गोहाना रेलवे लाइन, वो हमारे समय में नई आभार मनाने की हो गई थी। रेलवे मिनिस्ट्री ने 100 करोड़ रुपया भी रख दिया था उसके लिए, उस स्कीम को तो बंद कर दिया। जो वहाँ से लेकर मकड़ोली से लेकर रेलवे स्टेशन तक सड़क बनती 4 लेन, वो कर दिया, लेकिन कई लोग बर्बाद है। एलिवेटेड हाईवे, अब उसकी जगह एलिवेटेड बना दिया, क्योंकि एक ठेकेदार इनका चाहता था। तो फ्लाईओवर बनने से फिर जो बिल्कुल अगर वो रोड बनती तो ट्रैफिक कंजेशन नहीं होता, रोहतक वालों को बहुत राहत थी। इसी वास्ते तो रेलवे मिनिस्ट्री से सेंक्शन करवाया था। हुड्डा साहब, अनिल विज की नाराजगी को कैसे देखते हैं आप? एक तरफ ओल सेरेमनी कंडक्ट होती है, दूसरी तरफ अनिल विज गोलगप्पे खा रहे होते हैं, किस तरीके से देखते हैं पार्टी? ऐसा है, ये भी सरकार में एक विभाग है लूटने और मनाने का, बहुमत सिद्ध करने के लिए भी। जो सर आपने हुड्डा साहब आपने कहा कि समय जो है और देना चाहिए था, ये जल्दबाजी में जो सेशन बुलाया गया, नहीं मतलब ये था जैसे रात को कितने बजे किया था, 24 घंटे का तो समय देना चाहिए ना। दूर से आते हैं विधायक, पूरी रात सोए नहीं, कोई हो सकता कोई ना भी पहुंच सकता, ना समय पे इन्फॉर्मेशन गई, तो एक दिन का गैप तो देना ही चाहिए था। मैं ज़्यादा नहीं, एक दिन का 2 दिन का गैप देना, ताकि सहूलियत से पहुंच सके और यहाँ आ सके। अब जो बदलाव हुआ है पूरा घटनाक्रम हुआ, मुख्यमंत्री बदल गए हैं, कांग्रेस को आप इससे फायदा मानते हैं नुकसान मानते हैं और कितना? कांग्रेस का तो मन बना चुके हैं लोग, ये किसी को बदले। हमने तो जब नो कॉन्फिडेंस था, जब आईना दिखा दिया था इस सरकार का, तो आईना दिखाने के बाद चेहरा बदल दिया।
सर हुड्डा साहब, जिस तरीके से शुरुआत जो है वो हरियाणा से हुई है, बीजेपी के खेमे से अब सांसद जो है वो कांग्रेस के खेमे में, कांग्रेस का दामन जो है उन्होंने थामा है, एक तरीके से गेट पे जो है वो ओपन हुआ है, जिस तरीके से बहुत सारे कोई तीसियों पूर्व विधायक आ चुके पहले कांग्रेस में, परिवार में बढ़ावा है, परिवार बढ़ रहा है, और भी सांसद, और भी कोई सांसद संपर्क में है, सारी बात आपको ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं सर, ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई कि अब वो हिसाब से आप उनको चुनाव लड़वाएंगे, कांग्रेस चुनाव लड़वाएगी, पार्टी फैसला करेगी। मीटिंग चल रही है अब 15 तारीख को या फिर मीटिंग होगी उसके बाद।